हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जॉबजद्दा आज हम आगे हैं आपके सामने जनवरी की करंट अफेयर्स की मैगजीन लेके जिसमें नॉट ओनली जनवरी बट जितने भी जनवरी से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट यू नो न्यूज जितनी भी आ जाती है वो सब कवर होने वाली जी हाँ पहले से ज्यादा बढ़िया ज्यादा बेहतर आपको न्यूज मिलेगी ठीक हेलो हेलो गुड इवनिंग तो चलिए आज की हम आज का हमारा जो सेगमेंट होगा न्यूज का वो रहेगा स्पोर्ट्स सेगमेंट ठीक है हम स्पोर्ट्स की न्यूज के साथ डील करेंगे कि स्पोर्ट्स में जेन से जेन तक जनवरी तक इम्पोर्टेंट क्या क्या रहा है अभी तक ठीक है किसने कौन सा कप जीता इंडिया से कौन क्या लेके आ रहा है किसको कौन से वाले अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया ये सब हम कवर करने वाले हैं जनवरी की स्पोर्ट्स की मैगजीन में और राइट ओके okay, हेलो तो मेरी आवाज आ रही है आप सबको ओके okay, शहनवाज भट आई एम नॉट ऑलिबल अभी आ रही है मेरी आवाज अभी अभी आवाज आप आ पा रही है शहनवाज जी को क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं ओके ओके अगर वॉइस आ रही है आप सबको तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट सबसे पहला सेगमेंट इंडिया की ही स्पोर्ट्स न्यूज है नागालैंड टू होस्ट नागालैंड टू होस्ट साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022 2022 में जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाली है जिसके लिए एक, एक दिया जाता है एस ए एफ सी सी ट्रिपल सी ठीक है एस ए एफ ट्रिपल सी जो एशिया की साउथ साउथ एशियन जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है ये जो चैंपियनशिप होने वाली है ये कौन होस्ट करने वाला ये करने वाला है इंडिया का नागालैंड इंडिया की डिस्ट्रिक्ट इंडिया की स्टेट नागालैंड इसको होस्ट करने वाली है और कहां पर अपनी कैपिटल में अपनी कैपिटल सिटी कहाँ पर नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा में ये होस्ट होने वाला है दैट इज साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022 साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं जैसे आपकी यू नो नेपाल है मालदीव श्रीलंका बांग्लादेश भूटान इंडिया मैक्सिमम कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है इन वाली गेम्स में दैट इज एस एफ सी एफ के साथ ट्रिपल सी ओके ओके okay. ठीक है तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि और ये गेम्स कब से शुरू हुई है फिफ्टीन जनवरी में ये गेम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और ये कहाँ पर होस्ट हो रही है कौन इसको होस्ट कर रहा है इंडिया की स्टेट नागालैंड अपनी कैपिटल सिटी कोहिमा में ये होस्ट कर रही है और ये अनाउंसमेंट किसने कराई थी जो इसके एथलीटिक्स एथलीटिक फेडरेशन के जो प्रेजिडेंट है उनका जो नाम है अबू मेहता अबू मेहता जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के इन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई इंडिया इस बार एस ए एफ ट्रिपल सी को होस्ट करेगा कहां पर ना, नागालैंड में अब कौन कौन सी आ, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया कि नेपाल नेपाल मालदीव्स श्रीलंका बांग्लादेश भूटान एंड इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा और ये का का आज तक का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा जो नागालैंड होस्ट करेगी अब नागालैंड होस्ट करिए तो क्या होगा नागालैंड की यहाँ पे यू you नो know, नागालैंड का जो नागालैंड के जो पीपल हैं उनको वो थोड़े और ज्यादा एथलेटिक्स की तरफ और बढ़ेंगे गेम्स के अलावा उनके उनका यू नो एथलेटिक्स के रिलेटेड उनकी और वहां पे तवज्जो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ोतरी भरो, मिलेगी नागालैंड में किसने रिली, किसने ये अनाउंसमेंट कराई अनाउंसमेंट करवाई प्रेसिडेंट हैं जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो तो प्रेसिडेंट हैं अबू मेहता जी इन्होंने ये अनाउंसमेंट uh, करवाई और ये डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है कि कब से ये गेम शुरू होने वाली है फिफ्टीन जेन ट्वेंटी ट्वेंटी कंट्रीज के नाम यहाँ पर लिख लिए हैं ठीक इसके अलावा नागालैंड एक और चीज को भी होस्ट करने वाला है वो क्या होने वाला है 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 56th नंबर पे जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाला है वो भी नागालैंड ही होस्ट करेगा तो देखो नागालैंड यहाँ पे दो एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो सैफ ट्रिपल सी को भी होस्ट करा रहा है दैट इज साउथ एशियन फेडरेशन कंट्रीज की जो चैंपियनशिप है ठीक है क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप एक तो वो ये भी होस्ट करेगा साथ ही साथ जो फिफ्टी सिक्स नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाला है वो भी नागालैंड ही होस्ट करेगा ठीक है दो चीजें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो अभी आ, हमारा नागालैंड होस्ट करने वाला है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज देखिए Yes, देखिए ये देखिए ये जो है ही दिस गाय इज जस्ट अ टीन ही इज जस्ट नाइनटीन ईयर्स ओल्ड जी हाँ ये जस्ट उन्नीस साल के uh, हैं इनका नाम है पी इनियन क्या नाम है इनका पी इनियन और इन्होंने क्या झंडे गाड़े हैं इन्होंने नानूसिया ओपन चेस टूर्नामेंट तू, जो हुआ इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इनियन नानूसिया जो ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ कहां पर हुआ हुआ स्पेन में जो हुआ, वो कहा लानुसिया ऊपर भी अपनी अपनी मैगजीन में यू नो ठीक कर देना और मैगजीन का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ठीक है तो आप वहां से इसका अम यू नो आप इसको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास ले ली और फिर से साथ-साथ में साथ हाईलाइट करना मत भूले ठीक है तो पीएनजी ने क्या किया ला नुसिया जो स्पेन में अभी ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ उन्होंने ये जीता पीएनजी जो कि जस्ट 19 साल के हैं सिर्फ 19 साल के ही हैं उनको कोई हरा ही नहीं पाया वहां पर इनका स्कोर है 2529 ईएलओ विद और इसी के साथ फिफ्थ रुजना जोरा चेस टाइटल जीत जाते हैं इंडियन हमारे जो पी इनेन पी एनियन जी हैं इन्होंने रुजना जोरा चेस टाइटल जीत लिया है ठीक है और इसने इसके अलावा इस चेस में जो अभी ये चेस टूर्नामेंट हुआ लाल में उसमें वहां पे उन्होंने नौ नाइन राउंड्स में सात सात पॉइंट्स किठे किए मतलब नाइन राउंड्स में से सात राउंड्स इन्होंने ही जीते पी इनियन जी ने

इन दोनों को भी हरा दिया इस करंट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैंकिंग इज टू फाइव फाइव सिक्स देखो फाइड का, मतलब, का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड जो है वो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हमें लगता है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कुछ आईसीएफ होगी लेकिन ऐसा नहीं होता फाइड है इसका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो है वो है फाइड और उनकी अभी की फाइड की रैंकिंग के लाइक ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे अभी इनकी रेटिंग रेटिंग इनके टू फाइव फाइव सिक्स है जो की काफी ज्यादा स्पीड मानी जाती है चेस में ठीक है तो ये था पी इन एन जी के बारे में नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो हमने अभी देखा कि जो फाइड है फाइड जो फाइड है ये है क्या बेसिकली ये एक एसोसिएशन है कि वर्ल्ड की चेस को कि कहां पर कौन सा चेस मैच होगा कब कौन सा इंटरनेशनल टाइटल खेला जाएगा चेस का वो सब ये फाइड या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ही गवर्न करती है जिसको वर्ल्ड चेस इंटरनेशनल या वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है जिसको अप, क्योंकि इसको फ्रेंच में फ्रेंच में इसका uh, बन जाता है फाइड तो इसीलिए इसको फाइड कहा जाता है अदरवाइज इट इज इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म बन जाती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ठीक है इसके हेडक्वार्टर कहां पर है फाइट के हेडक्वार्टर हैं लुसेन स्विट्जरलैंड में एंड ये कब बनाई गई 1924 ट्वेंटी फोर जुलाई को पेरिस फ्रांस में ये बनाई गई तो फ्रांस से ही क्योंकि फ्रांस में ही बनाई गई तो फ्रांस वालों ने कुछ अपना ही वहां पे नाम रखा हुआ था जिसके कारण इसका नाम अब एक्ट्रॉनिम इसका फाइड ही आता है क्योंकि फ्रेंच से ओरिजिनेटेड है अदरवाइज इंग्लिश में दिस इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओके और अभी के इनके इसके प्रेसिडेंट है आर्कडे वोरकोविक 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 जैसे जोकोविक है ना तो वैसे ये आर्कडे वोरकोविक है ठीक है ये है अभी के फाइड के प्रेसिडेंट ओके okay? आगे चलिए ओके फुटबॉल के बारे में ये न्यूज़ बन जाती है कि इंडिया वॉन ऑरिडो एस ए डबल एफ एस ए डबल एफ एस ए डबल एफ चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन मालदीव्स एथ सैफ टाइटल ऑफ इंडिया तो सैफ है क्या अगर आप इस सैफ को देखो कि ऑरिडो में इन्होंने सैफ टूर्नामेंट जीता वो सैफ टूर्नामेंट है कौन सा दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एफ एफ इज बॉ फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन का टाइटल अभी किसने जीता ओरिडो में जो हुआ जो कि मालदीव में हेल्ड हुआ बेसिकली एडिशन अभी SAFF का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अभी ये किसने जीता अभी ये हाल ही में इंडिया ने जीता हुआ कहाँ पर ये ओरिडो में अगर आप इंडिया की फुटबॉल टीम देखो तो इसका निकनेम है ब्लू टाइगर्स ब्लू टाइगर्स ने हराया किसको ब्लू टाइगर्स ने हराया नेपाल की टीम को नेपाल की फुटबॉल की टीम को अब साउथ एशियन है तो सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी जैसे आप नीचे आपको कंट्रीज के नाम दे, देखने को मिलेंगे अभी साउथ एशियन कंट्रीज ही जैसे मालदीव नेपाल इंडिया ठीक है बांग्लादेश ये वाली कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी जिसमें इंडिया जीत गई और इंडिया के जो फुटबॉल क्लब का नाम क्या है फुटबॉल टीम का इंडिया का नाम क्या है निकनेम है उनका ब्लू टाइगर्स एंड जिस टीम को नेपाल को जिसने जो इंडिया के ब्लू टाइगर्स ने हराया उनका निक नेम है उस वाली टीम को से संबोधित किया जाता है जैसे इंडिया में आगे ब्लू टाइगर्स तो आगे द गुरखास ठीक है कहा और हुई पर ये नेशनल स्टेडियम इन मेल मेल जगह है मालदीव में वहां पर ये हुई इस बार अभी ये जो सैफ का चैंपियनशिप हुआ वो थर्टीन था सैफ का मतलब अभी तक ये तेरह बार खेल, खेली चुकी है जिसमें अभी 13th एडिशन इंडिया, जीता। ठीक है। और इंडिया ने अगर अभी तक ये तेरह बार ये यू नो you know, फुटबॉल अगर फुटबॉल फेडरेशन ने अगर अभी तक ये तेरह बार ये मुकाबला किया हुआ तो उसमें से आठ बार ये टाइटल सैफ का टाइटल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो टाइटल है वो इंडिया ने ही जीता हुआ है ठीक है चैंपियनशिप टाइटल ऑफ इंडिया इंडिया का ये आठवां टाइटल बन जाता है जबकि अभी तक ये खेली ही तेरह बार गई है ये गेम और इंडिया ने किसको हराया गुर खास नेपाल की टीम को ठीक है अगर आप ऑरिडो के बारे में देखो ऑरिडो सैफ चैंपियनशिप 2021 के बारे में देखो तो ये हुई कब डेट भी पूछता एग्जामिनर फर्स्ट से सिक्सटींथ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बीच में ये गेम हुई फर्स्ट अक्टूबर को शुरू हुई और सोलह अक्टूबर तक ये चली और ये हुई कहाँ पे अभी हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि नेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो कि मेल नाम का मालदीव में है वहां पर ये हुई ठीक है तो जिन जिन टीम्स ने इसमें पा पार्टिसिपेट किया वो कौन कौन सी है इंडिया मालदीव नेपाल बांग्लादेश एंड श्रीलंका इंडिया मालदीव नेपाल बांग्लादेश एंड श्रीलंका और इंडिया और नेपाल थी फिनाले में -F -F के के साउथ एशियन फेडरेशन फिनाले में जहां पर इंडिया के ब्लू टाइगर्स ने नेपाल के गुरखास को हरा दिया और इंडिया ने इसी के साथ अपनी एट्थ सैफ की विक्ट्री भी जीत ली और अभी तक सैफ के एडिशन हुए कितने हैं थर्टीन ही एडिशन हुए हैं जिसमें से आठ बार तो इंडिया ही जीत चुका है ठीक है जो so, अभी हुआ 2021 में इसमें ने हराया किस Japan को कितने से थ्री वन से ठीक है चाइना उबर कप ट्रॉफी बाई बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियंस जापान थ्री वन से जापान को इनने हरा दिया और इन चाइना से खेल कौन uh, कौन रहे थे इसमें हुआंग दोंग पिंक एंड ली मी इन्होंने हराया जापान के मिसाकी फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इक्कीस के सेट से ठीक है और ये पंद्रहवें टाइम है कि चाइना ने इस कंपटीशन को जीता हुआ दैट इज उबर कप को चाइना अभी तक पंद्रह बार जीत चुकी है ठीक है ठीक है आ, उबर कप के बारे में आपको पता लगा तो उपर, उबर कप बेसिकली ये खेला किसके लिए जाता है ये बैडमिंटन का बैडमिंटन के लिए ये वाली गेम खेली कप है ये आप भी अपने नोट्स में ऐड करते चलना अगर आप रफली कहीं पे बना रहे हो तो वहां पर आप भी प्लीज इसको ऐड करते हुए चलना ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये कप कौन सा जीता हुआ है अभी ठीक है अच्छा, किसने जीता चाइना ने जीता जापान को हराते हुए ट्वेंटी ट्वेंटी वन का नाम देखो हुआंग दो एंड ली वन मे दो मातुतोमो एंड नामी मातुआमा ठीक है उबर कप किसके साथ रिलेटेड है बैडमिंटन के साथ, साथ इंटरनेशनल कप है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर थॉमस कप के बारे में भी बात की हुई है कप ट्रॉफी जो कि यह भी बैडमिंटन के साथ ही जुड़ी हुई है कप कप ट्रॉफी भी एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल यू नो लेवल पे एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है जिसको टॉमस कप ट्रॉफी को इंड, इंडोनेशिया ने जीता इंडोनेशिया ने यह जीता उबर कप चाइना ने जीता जापान को हराते हुए लेकिन इंडोनेशिया ने जीता थॉमस कप ठीक है और इनकी ये 2002 में ये इंडो, इंडोनेशिया उससे पहले एक बार जीती थी उसके बाद ये कितने सालों के बाद अभी इनकी ये बड़ी विक्ट्री बन जाती है ने जीता उबर कप तो चाइना को हराते हुए इंडोनेशिया ने जीत लिया थॉमस कप और दोनों किसके साथ रिलेटेड है उबर एंड थॉमस दोनों ही बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है ठीक है फोर्टीन टाइटल अभी तक इंडोनेशिया चौदह टाइटल जीत चुकी है और ये सबसे ज्यादा तेजी से successful, आ, टीम है चैंपियनशिप ऑफ द मेंस बैडमिंटन की सबसे ज्यादा अगर सक्सेसफुल कोई अभी ज्यादा तेजी से टीम चल रही है तो वो इंडोनेशिया ही है एंड उबर कप यहां तक उबर कप चाइना ने जीता जापान को हराते हुए एंड थॉमस कप जीता किसने इंडोनेशिया ने किसको हराते हुए चाइना को हराते हुए ठीक है चलिए नेक्स्ट ओके नेक्स्ट वन इज रिधिमा वीरेंद्र कुमार बैग्स गोल्ड मेडल इन 50 मीटर बैक स्ट्रोक फॉर ग्रुप सेकंड गर्ल्स एट द नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप तो ये बेसिकली स्विमिंग वाला यू चैंपियनशिप है जहां पे बैक स्ट्रोक में जहा पे पीठ के बल वाली स्विमिंग बेसिकली की जाती है तो जो रिधिमा वीरेंद्र कुमार है इन्होने गर्ल्स में ग्रुप सेकंड के गर्ल्स में इन्होंने गोल्ड जीता किसमें नेशनल लेवल पे बेसिकली चैंपियनशिप हुई जहां पे इंडिया के ही आ, स्विमर्स आ, इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें भी कर्नाटका की स्विमर जो है रिधिमा वीरेंद्र कुमार ने गोल्ड जीता ठीक है तो ये देखिए कर्नाटका की स्विमर है रिधिमा वीरेंद्र कुमार गोल्ड मेडल ने जीता पचास मीटर की बैक स्ट्रोक वाली रेस में एंड ये ग्रुप सेकंड की गर्ल्स में आती है, दस सब जूनियर एंड जूनियर एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप इन बेंगलुरु और हुआ कहाँ पर था ये बेंगलुरु में हुआ था अच्छा इसी के साथ रिधिमा वीरेंद्र कुमार ने माना पटेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया पटेल का जो सात सालों से सात सालों पहले मानव पटेल ने एक मीटर की बैक की, uh, you know, स्ट्रोक सेट करके रखा हुआ था लेकिन रिधिमा वीरेंद्र कुमार जी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया क्योंकि इन्होंने इस रेस को जस्ट ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइनटी फोर सेकेंड में खत्म कर दिया इतनी फास्ट फिफ्टी मीटर का कमेंडेबल राइट Then, इसके अलावा अगर नंबर वन पे रिधिमा जी आई तो नंबर टू पे आई कर्नाटका की ही शालिनी दीक्षित जी जिनको सिल्वर मेडल मिला और नंबर थ्री पे आई श्री नित्या सागुआ ये तेलंगाना की है जिनको ब्रॉन्ज मिला तो नंबर वन पे आगे गई रिधिमा आ, नंबर सेकंड पे आगे, आ गई नंबर सेकंड पे आ गई शालिनी एंड थर्ड पे आ गई श्री नित्या और रिधिमा जी ने किसका रिकॉर्ड जीता याद रखें माना पटेल जी का इनने रिकॉर्ड जीता सात सालों से ऑलरेडी नहीं इन्हीं का रिकॉर्ड सेट था और अब सात सालों के बाद हमारी रिधिमा वीरेंद्र कुमार जी ने ये रिकॉर्ड बीट कर दिया ओके okay? आगे अब इसके अलावा जो अभी ये ग्रुप सेकंड की गर्ल्स की बात थी तो ग्रुप वन की गर्ल्स की बात करते हैं जहां पर महाराष्ट्र की अपेक्षा फर्नांडिस ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया जहां पर उन्हें 34.4 सेकंड्स में 50 मीटर की बैकस्ट्रोक की ब्रेस्ट सॉरी ब्रेस्ट स्ट्रोक की रेस को कंप्लीट किया वहां पर बैकस्ट्रोक नहीं वो ऐसे जैसे आर्म स्विमिंग की जाती है वैसे की जाती है ठीक है कर्नाटक दिन दे सिंगो क्रिएटेड नेशनल हिस्ट्री इन 200 मीटर आई एम फॉर ग्रुप थर्ड गर्ल्स इवन शी ब्रेक्स वानिया कपूर रिकॉर्ड ऑफ 2.37.99 पॉइंट थर्टी सेवन पॉइंट जस सिंह बोनी और ये मेल में आ जाता है जबकि दिनंदी देशबंधु एंड ये वाले जो हैं ये फीमेल्स कंटेन्डर वान्या कपूर ये लास्ट वाला जो आपके लिए लिखा हुआ है वो बॉयज वाला कि बॉयज में भी ग्रुप फाइव में जस सिंह जस्ट सिंह ने ये रिकॉर्ड जीत लिया मतलब ये जो अभी हुआ वहां पे एक्वाटिक चैंपियनशिप नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप जो ओके अच्छा आवाज चली गई थी बीच में थोड़ा माइक का इशू हो गया था आई होप अब आपको आवाज आ रही है ओके okay, आवाज आ रही है ना मेरी ठीक है तो वीरेंद्र कुमार जी ने गोल्ड जीता और एक रिकॉर्ड सेट कर दिया किसका माना जी नंबर टू पे सागो जी जो कि तेलंगाना की है वो नंबर थ्री पे आई महाराष्ट्र से जो अपेक्षा जी हैं अपेक्षा फर्नाडस जी इन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड सेट किया लेकिन इन्होंने बैक स्ट्रोक में नहीं इन्होंने थर्टी इन्होंने ब्रेस्ट स्ट्रोक वाला रिकॉर्ड बीट किया ठीक है इन्होंने अपना रिकॉर्ड सेट कर दिया, भी टू हंड्रेड मीटर में अपना रिकॉर्ड सेट किया ये टू हंड्रेड मीटर में जीती धनिंदी जी इसके अलावा वान्या कपूर जी ने भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया जबकि जस सिंह ने मेंस में ग्रुप फोर में जो मेंस आते थे उनमें इन्होंने हंड्रेड मीटर में फ्री स्टाइल में फ्री स्टाइल की स्विमिंग में इन्होंने ये मेडल जीता ठीक है नेक्स्ट देखिए न्यूज नंबर सिक्स मोहम्मद अजरुद्दीन अनवेल्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट इन हैदराबाद मोहम्मद अजरुद्दीन जी कौन है इंडिया के फॉर्मर कैप्टन पहले कैप्टन रह चुके इंडियन के क्रिकेट टीम के तो इन्होंने हैदराबाद में हैदराबाद में मोहम्मद अजरुद्दीन जी ने क्या किया उन्होंने वहां पर क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट को इनोग्रेट किया अभी मतलब अभी तक क्रिकेट का इतना बड़ा बैट नहीं बना हुआ था और वो फाइनली बन चुका है और किसने उसको अनवील किया किसने उसको सबके सामने लाया किसके ऊपर से पर्दा हटाया और बैट को सामने लाया वो कौन है मोहम्मद अजरुद्दीन जी ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन हैदराबाद में इन्हें अनवील किया और ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं साथ ही साथ इंडिया के पहले ही कैप्टन रह चुके हैं इन्होंने इनाग्रेट किया वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट कब कौन सी तारीख को अक्टूबर 23 2021 को हैदराबाद में ऑन द ईव ऑफ कब था कब उस दिन क्या हुआ था उस दिन बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप चल रहा था और वहां पर उनने इसको अनवेल किया तो बहुत सब आप में से बहुत सब ने ये खुद विटनेस भी किया होगा खुद देखा भी होगा बट इन्होंने इसको अनवेल किया ठीक है समझ आया नेक्स्ट देखिए आगे अब ये जो बैट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जब भी कोई नई चीज जो कि अभी तक हुई नहीं होती है और न्यू फॉर्म में वो सबके सामने आ जाती है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है तो ये बैट क्योंकि सबसे बड़ा है इंपॉर्टेंट है नया रिकॉर्ड बना हुआ है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल करा दिया गया है एज द बिगेस्ट क्रिकेट बैट इन दर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिकेट बैट ठीक है इंडिया की यू नो ये क्या कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन ही जो बैट को लॉन्च करती है तो इन्होंने पर नोड रिकॉर्ड जी ने इंडिया के दैट इजेड ने इसको लॉन्च uh, कराया इस इन्होंने ही इस बैट को डिजाइन किया हुआ है हैज बीन फैब्रिकेटेड बाय बीएसएल इवेंट्स ठीक है इट इज मेड ऑफ पॉपुलर वुड पॉपुलर वुड कौन सी वुड होती है जिससे ऑबवियसली बैट बनते हैं तो पॉपुलर वुड पूछा जाता पूछा जा सकता है कि वॉल का सबसे बड़ा बैट किस वाली लकड़ी से बना तो यू हैव टू आंसर इट लाइक पॉपुलर वुड ठीक है द बैट मेजर्स 56.10 फीट लॉन्ग 56.10 फीट लॉन्ग इतना इतने फुट लंबा है ये बैट 56.10 फुट लॉन्ग इतना ज्यादा लंबा बैट है ये ठीक है वेज इस और इसका देखो वेट कितने 9000 किलोग्राम 9000 किलोग्राम है तो ओबियसली इसका नाम तो आना ही था कि नहीं इस बुक का वॉल रिकॉर्ड रिकॉर्ड में फ्रेंडली और अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको नवंबर तक इसको टैंक ट बं हैदराबाद में रखा हुआ था एग्जीबिशन के लिए उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि उपल में है ठीक है ठीक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और इनफैक्ट इसको कर दिया गया है नवंबर 16 तक ही ये हैदराबाद में रहा ठीक है नेक्स्ट वन इस, इसको किसने अनवील किया मोहम्मद अजरुद्दीन जी ठीक है नेक्स्ट वन न्यूज नंबर सेवन इज विक्टर एक्सेल विंस 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क में डेनमार्क में जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ उसको किसने जीता विक्टर एक्सेल सेन ने विक्टर एक्सेल ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता और वो भी किसमें मेन सिंगल में मेन सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है विक्टर एक्सेलसन है कहां के ये डेनमार्क के वॉन द डेनमार्क डेनमार्क का ही हैं भी एट खुद भी डेनमार्क के और डेनमार्क में जो ये ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ इन्होंने वो भी जीत लिया इन द फिनाले अच्छा फिनाले में बेसिकली ने हराया किसको बैडमिंटन के इस डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फिनाले में इन्होंने विक्टर एक्सलसेन ने किसको हराया इन्होंने वर्ल्ड नंबर वन जो थे मोमोटा कैंटो को तो इन्होंने फिनाले में हराया और इसी के साथ जीत दर्ज की डेनमार्क दे, हॉकी सॉरी बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली दैट इज विक्टर एक्सलसन ने जीती इसके अलावा इनका स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने पहला सेट 2022 से दूसरा 21 पहला सेट ये हारे दूसरे और तीसरे ये दोनों सेट ये जीत गए मोमोटा कैंटो से जो कि वर्ल्ड के नंबर वन है और ये है कहाँ से जापान से खुद विक्टर एक्सल कहां से हैं ये है डेनमार्क से ठीक है अक्टूबर में हुए थे ये ओलंपिक बैडमिंटन मैन सिंगल के जिसमें इसको यही वाली चीज अगेन रिपीट की हुई है यहाँ पर ठीक है मेन इंपॉर्टेंट आपके ये दो बन जाते बाकी ये वही रेपिटेशन हो रही है जो ऑलरेडी है देखो अब देखिए आपको है आईपीएल में इस बार 2022 में दो और टीम्स लॉन्च हो रही है कौन कौन सी टीम्स है कहां-कहां से होंगी तो देखिए इस बार की आईपीएल की आपको देखने को मिलेगी कि अहमदाबाद से भी एक टीम और लखनऊ से भी एक टीम इस बार आईपीएल में पार्टिसिपेट करने वाली है ठीक है और अभी तक जो आपको अगर आईपीएल में टीम्स देखने को आ, मिलती तो अभी तक सिर्फ आठ टीम्स हुआ करती थी आईपीएल में तो अब दस आप बन जाएंगे वो दस क्योंकि अहमदाबाद और लखनऊ भी उसके अंदर एड हो रहा है आईपीएल पी ट्वेंटी में ये आएंगे इस साल जब आईपीएल होगा तो आपको ये दो टीम्स भी देखने को मिलेंगे कौन है इसके ऑनर्स ऑनर कौन है लखनऊ वाली टीम में कौन पैसा डाल रहे हैं एंड अहमदाबाद की टीम में कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रुप दैट इज आर पी एस जी इज द ऑनर ऑफ लखनऊ की टीम के ऑनर है और ये इंडिया बेस्ड कंपनी है इंडिया बेस्ड कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में पैसे इन्वेस्ट करती है बाकी सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ये ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है इज द ऑनर ऑफ अहमदाबाद टीम अहमदाबाद टीम को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स पैसा यू नो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे जबकि आरपी संजीव गोयंका जो नाम ही इंडियन सा लगता है तो ये प्रोवाइड करेंगे मनी किसको लखनऊ की टीम को ओके आरपीएसजी जी दैट इज आर पी संजीव गोयंका ग्रुप वो ऑन द बिड इन्हें लखनऊ के लिए पैसे डालने वाली इन बिड ये जीत चुके थे और इन्हें सेवन जीरो नाइन जीरो करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे जबकि सीवीसी पे सीवीसी कैपिटल पार्टनर जो कि अहमदाबाद की, की फ्रेंचाइजी है ये 56 ये पांच हजार सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव करोड़ इन्वेस्ट करेंगे मतलब आरपीएच ज्यादा पैसा डाल रहे हैं लखनऊ वाली फ्रेंचाइजी पे जबकि सीबीसी फाइव सिक्स टू फाइव करोड़ पैसा डाल रहे हैं आईपीएल का और आपको ये तो पता ही होगा कि आईपीएल सबसे पहले आया कब था 2008 में आज तक आईपीएल के 14 सीजन हो चुके हैं और फिफ्टींथ सीजन में आपको 10 टीम्स देखने को मिलेंगे जबकि लास्ट ईयर मैच में सिर्फ आठ ही टीम्स थी ठीक है तो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि आईपीएल का आईपीएल 2021, 2021 कौन जीता था मैंने पूरी आपको लिस्ट बताई थी कि इसने कि इसको ब्लू कैप मिली इसको ऑरेंज कैप मिली पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप के बारे में बताया हुआ था बताइए सीएस के ने ही यस मलिक रुबे अर्जुन विक्रम यू आर आर राइट सी एस के ने जीती और हराया किस कोलकाता नाइट राइडर्स को राइट नेक्स्ट देखिये दिस इज डब्ल्यू टी टी दैट इज वर्ल्ड टेबल टेनिस ठीक है टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं अब ये Contenders, uh, and Desai, clinch men's uh, men's double title, men's double title title जीता इंडिया के पैडल इंडिया के हैं और इंडिया के लिए ये uh, uh, you know मैन डबल्स का ये टाइटल जीत चुके हैं कौन सा वाला WTT Contender Tunis 21, टूर्नामेंट Tunis 21 ट्यूनिस uh, में जो हुआ अगेन इंडियन और इन्होंने किसको हराया इन्होंने फ्रांस के इमानुअल लेबिसन एंड अलेक्सेंड्रा कैसिन को हराया विदो लाइन ऑफ थ्री वन इलेवन मतलब कि तीन एक से हराया तीन सेट इंडिया ने जीते जबकि एक ही सेट फ्रांस वाले जीत पाए थे तो दो इन दो कौन से इंपॉर्टेंट मैन uh, बन जाते हैं यहाँ पे साथियाई नाना सेखरन एंड हरमीत देसाई हराया किसको इन्होंने इमैनुअल और अलेक्जेंड्रा को और ये है कहाँ के ये फ्रांस के इन्होंने हराए कितने सेट जीते तीन जीते और एक से एक ही से फ्रांस जीत पाए ठीक है इसके अलावा इन दोनों की जोड़ी साथियाइन एंड हरमीत की जोड़ी 2018 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की टीम के लिए गोल्ड लेके आई थी ठीक है इतना समझ आया आपको यहां से इतना समझ आए कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कौन जीता इंडिया के साथ नाना सेकरन एंड हरमीत देसाई जी ठीक है नेक्स्ट वन मेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी स्पेक्टेटर्स तो आपको पता है कि ये हो चुका है बेसिकली लास्ट ईयर ये नवंबर ट्वेंटी फोर में ये हो चुका है वर्ल्ड मेन्स हॉकी जूनियर मेन्स हॉकी जूनियर का वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी वन होना था जो कहां पर हुआ भुवनेश्वर में कहां पर हुआ भुवनेश्वर में अच्छा तो बेसिकली यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये COVID के के साथ खेला गया था कि ना कोई ऑडियंस थी ना कोई स्पेक्टेटर्स थे सिर्फ प्लेयर्स को ही खेलना था और ऑनलाइन इस गेम को शो कराया जा रहा था देन अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन जीता इस टूर्नामेंट को पहले इसकी की हाईलाइट पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ कि ये जीता कौन ओके okay. की इंडिया एंड एफ आई एच हैव डिसाइडेड टू होल्ड द टूर्नामेंट विदाउट एनी विदाउट एनी स्पेक्टेटर्स एज आ प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन सबसे पहले तो बात बन जाती है ये एफ आई एच क्या है तो एफ आई एच कुछ नहीं दिस इज जस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ठीक है फेडरेशन अगेन फ्रेंच नाम के ऊपर इसका रखा हुआ है हॉकी इंडिया और इंटरनेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इन दोनों ने अ, uh, इन दोनों ने साथ में होके ये गेम uh, ऑर्गेनाइज की जो कि कहां पर की भुवनेश्वर में ठीक है की लाइट इसकी ये थी कि कोविड नाइनटीन के पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए ये गेम खेला गया था ठीक है और इसमें जीता पता कौन था जीता था इसमें अर्जेंटीना अर्जेंटीना जीता था इस गेम को यहां पर लिखते हैं नीचे अर्जेंटीना ने वॉन किया और हराया उन्होंने किसको जर्मनी को हराया जबकि आपको दिखेगी कि इंडिया का रैंक यहां पर नंबर फोर रहा था क्योंकि इंडिया हार चुकी थी किससे फ्रांस से इंडिया फ्रांस से हार चुकी थी ठीक है अर्जेंटीना यही जो हम जूनियर मेंस हॉकी की बात कर रहे हैं तो वहां पर अर्जेंटीना ने इस गेम को जीत लिया था जबकि जर्मनी नंबर टू पे आई थी इंडिया का रैंक नंबर चार रहा क्योंकि इंडिया फ्रांस से हार चुकी थी ठीक है हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2020 जो हुआ उसमें अर्जेंटीना जीती ये यहां पे मेंशन नहीं है, प्लीज इसको नोट करना ना भूलें ठीक है अर्जेंटीना जीता अर्जेंटीना नंबर टू जर्मनी नंबर थ्री पे फ्रांस और नंबर फोर पे इंडिया का रैंक रहा भुवनेश्वर में हुआ लेकिन फिर भी इंडिया नंबर फोर पे आया ठीक है अगेन चलिए नेक्स्ट न्यूज पे नीरज चोपड़ा मिथाली राज लवलीना बोर बोर्गोहैन अमंग इलेवन रिकमेंडेड फॉर खेल रत्न थर्टी फाइव नेम फॉर अर्जुन ऑनर तो कुछ को इंडिया के जैसे ये है नीरज चोपड़ा जी है मिथाली राज जी है लवलीना बोर्गो बॉर्गो हैं जी है। इनको इंडिया को जो हाईएस्ट यू नो स्पोर्ट्स का जो अवार्ड है वो मिलेगा, वो मिले, मिलेगा मिलेगा मिले इनफैक्ट इनको मिला है अभी कुछ दिनों पहले आई गेस इंस्पायरिंग शो एट द पैरोल्पिक्स चाहे पैरो को देख लो देख लो या चाहे आप टोक्यो ओलंपिक्स को देख लो पैरोलंपिक्स को देखो या टोक्यो ओलंपिक्स को देख लो तो इन्होंने बहुत सारे अपने जलवे बिखेरे थे वहां पर जिसके लिए इनको मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड मिलेगा इंडिया के नीरज चोपड़ा लवलीना बॉर्किन रवि और मिथाली राज को मिलेगा इन सब की लिस्ट आगे प्रोवाइडेड है उस पर भी जाएंगे बाकी थर्टी अथ, फाइव एथलीट्स को अर्जुन ऑनर मिलेगा जो आठ नंबर बढ़ा दिया है पिछले साल सिर्फ ट्वेंटी एट को मिला था अर्जुन अवार्ड uh, जबकि इस बार थर्टी फाइव एथलीट्स को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड भी उनकी भी लिस्ट यहाँ पे बताई गई है द्रोणाचार्य अवार्ड जो किस लिए मिलता है कोचेस को मिलता है कि उनके बस बसेंडिंग डिवोशन के लिए अपने अपने यू नो कोच जिनको वो कोचिंग देते हैं उन, उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला टी पी ओसुफ राधा कृष्ण एंड संदीप सांगवन को ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहां पर मिलेगी यहां पर यहां पर ये पूरी लिस्ट प्रोवाइडेड है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला ठीक है जहां पर मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ कि मेजर ध्यान चंद्र चंद खेल रत्न अवार्ड मिला नीरज चोपड़ा रवि दैया लवलीना लव पी आर श्री जेश मिथाली राज सुनील छेत्री अब अव, अवनी अ, लेखरा मनीष नारपाल सुमित अंतिल प्रमोद भगत एंड कृष्णा नागर इन सब को मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड मिला इसके अलावा दो अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड मिला इस लिस्ट के मेंबर्स को और सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला वो हैं यहां पर पी ओसफ राधा कृष्ण ना संदीप सांगवान जी को ठीक है ठीक है ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट से रिलेटेड वो एग्जाम पूछता है ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी जो रिलेटेड होते हैं कि अभी बताओ इनमें से किसको खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला द्रोणाचार्य सॉरी ध्यानचंद uh, वाला खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला किसको अर्जुन अवार्ड मिला किसको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन बताते हुए तो ये लर्न करना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला देखिए न्यूज नंबर ट्वेल्व हरभजन सिंह जवागल श्रीनाथ लिस्टेड इन एम सी सी अवार्ड ऑन रील ऑन रील लाइफ मेंबरशिप एम सी सी बेसिकली ये है क्या इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है एमसी आ गया मैली मैरली yeah, बन क्रिकेट क्लब मैरलीबोन क्रिकेट क्लब मैरली बोर्न क्रिकेट क्लब अगेन बन जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश बेस्ड एक क्रिकेट क्लब है जो अवार्ड देती है मतलब कि बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है क्रिकेट में कि क्रिकेट में जिसने अच्छा किया होगा उसको देते हैं चाहे मैन में हो वुमेन में हो क्रिकेट में उसको ये अवार्ड प्रोवाइड करते हैं कौन मार्लीबोर्न क्रिकेट क्लब और इस साल इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट यू नो क्रिकेटर्स जैसे आपके हरभजन सिंह हैं या श्रीनाथ जी हैं इन दोनों को भी इस एम uh, लिस्ट के एटीन क्रिकेटर्स की जो लिस्ट इनने रिलीज की हुई है उसमें हरभजन सिंह जी को भी एंड श्रीनाथ जी को भी अवार्ड दिया जाएगा ठीक है then again honorary uh, lifetime membership to some of the फाइनेस्ट cricketers को बेस्ट ko को अठारह को सिलेक्ट किया गया है उन, उनकी outstanding performance के लिए जिसमें अठारह मई से अगर आप देखो तो सिक्सटीन मेल प्लेयर्स जबकि दो फीमेल प्लेयर्स आपको देखने को मिलेगी वन इज सारा टेलर एंड अदर वन इज सारा मैक और ये दोनों इंग्लैंड की है ठीक है आगे देखिए इंडिया के मेंबर्स अब हरभजन सिंह को ज्वागल श्रीनाथ जी की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है क्रिकेट के क्रिकेट में तो वो देखते हैं कि इनको इनने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है क्रिकेट फील्ड की तरफ जैसे हरभजन सिंह को अगर आप देखो तो इन्होंने इन्होंने फोर वन सेवन विकेट ली हुई है टेस्ट में टेस्ट मैचेस में फोर चार सौ सत्रह विकेट्स ली हुई है जो और इनका नंबर इंडिया के रिकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर थ्री बन जाता है इंडिया से अनिल कुंबले नंबर वन पे 619 एंड कपिल देव 434 के साथ नंबर टू पे है जो अगर श्रीनाथ की बात करें तो इन्होंने ओडीआई वन डे इंटरनेशनल में जिनसो 15 विकेट्स ली हैं अपने पूरे करियर में जिसके साथ ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है हरभजन सिंह जी थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थर्ड हाईएस्ट 417 लेके कौन से टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने चार सौ सत्रह विकेट ली हुई है जबकि जगल श्रीनाथ जी नंबर टू पे आते हैं इनसे पहले अनिले थ्री थर्टी फोर विकेट ले चुके हैं ठीक है, है। हरभजन सिंह श्रीनाथ जी को इस बार ये MCC वाला मिलने वाला है और इनको नॉमिनेट किया गया है एटीन क्रिकेटर्स पूरे वर्ल्ड से आएंगे जिनको ये प्राइज दिया जाएगा ठीक है ओके इनकी शक्ल याद है किसी को ये कौन है ये कौन है आईपीएल देखा होगा तो उन्मुक्त चांद टू साइन अप फॉर बीबीएल बीबीएल जैसे इंडिया में होता है ना आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग तो बीबीएल है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग ठीक है तो ये ऑस्ट्रेलियन लीग है बेसिकली इन्होंने क्या किया है इन्होंने अभी हाल ही में अगस्त में उन्मुख चांद जी ने अगस्त में अभी हाल ही में इन्होंने आ, आ, ये इंडिया के क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे बाहर जाके बाहर, बाहर भी देखना है कि बाहर और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्रिकेटर क्रिकेट को कि बाहर कैसे खेला जा रहा है नॉन तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये बीबीएल के लिए इंडिया से साइन होने वाले पहले क्रिकेटर बन जाते हैं जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग वाली टीम टीम है ये फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर बन जाते हैं जो बे बीबीएल जो कि ऑस्ट्रेलिया की, की प्रीमियर लीग टीम है जिसको कहा जाता है बिग बैश लीग क्या कहा जाता है बिग बैश लीग कहाँ की है इंडियन प्रीमियर लीग है इंडिया की तो बिग बैश लीग कहाँ की है ऑस्ट्रेलिया की एज ही इज सेट टू फीचर इन मेलबोर्न रेनी गेट्स मेलबोर्न रेनी गेट्स जैसे हमारे यहाँ पे टीम्स के नाम होते हैं ना मुंबई इंडियन डेली इलेवन पंजाब तो वैसे ही वहां की टीम है मेलबोर्न रेनी गेट्स उसके लिए साइन कर दिए गए हैं बीबीएल बिग बैस्ट लीग कहा की ऑस्ट्रेलिया की ठीक है एज ही इज सेट टू फीचर इन दमिंग एडिशन अट्ठाईस साल के हैं ये और इन अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप टाइटल जीता हुआ है इंडिया के लिए दो हजार बारह में दो हजार 2012 में जीता था अगर इंडिया के आईपीएल को लेके चले तो इंडिया में ऑलरेडी डेयर डबल्स का पार्ट थे दिल्ली डे डबल्स का मुंबई इंडियंस का राजस्थान रॉयल्स के लिए ये ऑलरेडी खेल चुके थे बट ये अगस्त में रिटायरमेंट ले लेते हैं इंडियन क्रिकेट

MCL सिलीकॉन इनको अभी टाइटल मिला किसका सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स का जो कि माइनर लीग क्रिकेट MCL के लिए ये जब खेल रहे थे तो इनको सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स का अवार्ड भी मिला ओके okay? ठीक है और अगर आप एम अगर बीबीएल जो था अगर वो ऑस्ट्रेलियन था तो दिस अमेरिकन ये अमेरिका के लिए भी खेल चुके हैं अमेरिकन टी ट्वेंटी की क्रिकेट टीम जो है वो ये है। उसका नाम है माइनर लीग क्रिकेट MCL टाइटल और इसमें उन्मुख चंद जी को सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स का में नॉमिनेट ये हुए ठीक है अब ये देखिए ये तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दिस इज अ डुओ ऑफ मनु भाकर एंड जावेद फारूगी विंस गोल्ड इन इनगर प्रेसिडेंट्स कप इनोग्रल प्रेसिडेंट कप ये प्रेसिडेंट कप इन मतलब अभी तक आज कप नहीं हुआ था पहली बार ये हुआ जिसमें इन दोनों की जोड़ी एक इंडिया से हैं ये मनु भाकर जी और दूसरे ईरान के ओलंपिक चैंपियन जावेद फारूगी जी इन दोनों ने साथ में पिस्टल की कॉम्पिटिशन में जीता ठीक है और ये जस्ट इनोग्रेशन हो थी दोनों को गोल्ड मिला ठीक है हैज द टेन मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम गोल्ड एट द इनोरल आई एस प्रेसिडेंट्स कप एट द रोखला इन पोलैंड में हुआ इंडो ईरानियन पेयर पेयर इन्होंने हराया किसको फ्रेंच रशियन डुओ को फ्रेंच रशियन डुओ जिनका नाम है मैथिलइड एंड uh, इन मैथलाइड से बराबर बिल्कुल दुगने 2X की स्पीड से ये जीत गए। in the एफ President कप तो सात members इंडिया से यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं कर रहे हैं देखते हैं जरा ये uh, है क्या बेसिकली ISSF ठीक है तो द इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंट कप इज आवर रिक्रिएशंड वर्जन ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल्स वेयर द इयर्स स्टॉप वर्ल्ड कप फाइनल्स का ये एक रिक्रिएट किया हुआ है मतलब बिल्कुल जैसे वर्ल्ड कप फाइनल होता था ना और वहां पे जो बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स उभर के सामने आते थे जो गोल्ड 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 लेते रहते थे तो वो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको यहां पर ISSF प्रेसिडेंट कप ओलैंड में खिलाया जाएगा और ये जो एथलीट्स होंगे उनको उन बेसिस पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एड ज्वाइन होकर भी ये खेल सकते हैं जैसे इंडिया ने किसके साथ जीता इरानियन, इरानियन पिस्टल वाले सर के साथ ठीक है फारूकी जी के साथ नेक्स्ट वन ये आप सबको ये वाली न्यूज पता ही होगी दैट इज राशिद खान बिकम्स यंगेस्ट बॉलर टू टेक फोर हंड्रेड टी ट्वेंटी टी विकेट्स विकेट में जो चार सो चार सो विकेट लेने वाले राशिद खान जी जो हैं वो यंगेस्ट क्रिकेटर बन जाते हैं यंगेस्ट क्रिकेटर हैं कहाँ के राशिद खान जी अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं ये राशिद खान जी जिनने अभी अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हुए रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि सबसे यंग यंगेस्ट एक बॉलर जिसने चार सौ विकेट्स ली हो ठीक है किसके खिलाफ किसके खिलाफ इन्होंने आ, आ, किसके खिलाफ मैच हो रहा था और इनकी 400 विकेट्स कंप्लीट हुई दैट वाज न्यूजीलैंड किसकी विकेट थी जिससे इनका 400 का आंकड़ा पार हो जाता है दैट इज मार्टिन की ने विकेट ली और इन्होंने राशिद खान जी ने 400 विकेट्स अपने करियर की कंप्लीट की राशिद जॉइन द लिस्ट ऑफ द और इसके साथ ही एलीट लिस्ट मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में इनका भी नाम आ जाता है और अगर 400 सौ का क्लब देखें कि 400 सौ विकेट किस किसने ली हुई है तो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ड्वेन ब्रावो सुनील नारायण ड्वेन ब्रावो जो कि आपको वेस्ट इंडीज से खेलते हुए दिखते हैं सुनील नारायण जी जो श्रीलंका uh, से खेलते थे एंड इमरान ताहिर जी जो पाकिस्तानी बेस्ट साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं ठीक है तो इन्होंने इन्होंने 553 ने 425 420 दी हुई है और अब इसी रेस में शामिल हो गए हैं राशिद खान जी भी इतने यंग हैं कोई तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तो ये और ब्रेक करते हुए आगे जाएंगे ठीक है समझ आया किसकी विकेट थी जिससे इनका फोर हंड्रेड विकेट का आंकड़ा पूरा हो जाता है दैट इज मार्टिन गुप्चल की विकेट ठीक है आगे नवाक जोगोविद थर्टी Paris 2021. Paris 2021 सेवन मतलब टाइम टाइटल जीत जाते हैं ग्रैंड मास्टर नहीं बट यू नो थर्टी सेवन मास्टर का टाइटल जीतते जीत हैं ठीक है तो देखिए यहां पर नुआक जोकोविच सर्बिया से हैं ये बेसिकली सर्बिया से इन्होंने हराया डैनियल मेडवेदेव को मेडवी मेडवी डेव जो कि रशिया से हैं इन्होंने इनको हराया इन द मेन सिंगल फाइनल्स ऑफ 2021 पेरिस मास्टर्स में एट पेरिस फ्रांस दिस इज हिज सिक्स्थ और ये पेरिस मास्टर्स का टाइटल देखें तो नोवाक जोकोविच इसको इस बार छठी बार फिर से जीत चुके हां एंड द 37th और आज तक तो इनके टोटल 37 ए गेम जीत चुके हैं एटीपी का मतलब है कि uh, जो यू नो ग्रैंड मास्टर वाले टाइटल नहीं होते ये जस्ट मास्टर बनाते ग्रैंड मास्टर वाले टाइटल्स वो जैसे यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ इसके अलावा uh, जैसे पेरिस वाला ठीक है फ्रेंच ओपन वर्ल्ड नंबर वन रैंक फॉर द रिकॉर्ड सेवेंथ कॉन्जेक्यूटिव ईयर और इसी के साथ इनका मास्टर में मास्टर के खिताब में देखें तो ये नंबर no. वन का रैंक बना बना चुके हैं लाइक like, सात सालों में इसे अगर देखा जाए तो मास्टर करें कभी इन्हीं के ही पास है ठीक है अच्छा इसके अलावा भी हाल ही की न्यूज देखें अभी जो वन वीक पहले ही हुई है बेसिकली तो पहले इसको देख लेते हैं ये क्या ये बड़ी लिस्ट क्या बो, बोल रही है यहाँ पर डैनियल मेडविल्यू डिफीटेड नोवाक जोकोविच इन फाइनल्स टू विन 2021 यूएस ओपन US Open, US men's single जो था वो ंगल ने नवाक को हराया था जबकि नवाक ने मास्टर ने इसको हरा दिया। Daniel ने नवाक को हराया और ने Daniel को ओपन में हरा दिया टाइटल अच्छा अगर आप एटीपी की रैंकिंग देखो तो आपको नवाक नंबर वन पे डैनियल मेडविलीव टू पे एंड एलेक्सेंडर आपको नंबर थ्री पे दिखेंगे इसके अलावा देखो अगर आप अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन जो भी हाल ही संडे या सैटरडे की बात है जो अब जो बेसिकली हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन नडाल एंड नडाल एंड मेडवी थे फाइनल में यही मेडविलीव यही मेडवी मेड ओवी मैड मेडवीडेव थे फाइनल में नडाल मेडवीडेव थे फाइनल में जिनमें से अभी नडाल जी जीत चुके हैं और ये अभी वर्ल्ड के नंबर वन में आ जाते हैं ग्रैंड मास्टर इसके अलावा जोकोविच को आप देख लो या अगर आप यू नो फेडरर को देख लो तो दोनों ने 2020 टाइटल्स एंड इनके भी 20 टाइटल्स थे बट इस जीत के साथ इनके टाइटल हो जाते हैं 21 ठीक है नडाल राफ एंड नडाल ठीक है समझ आया हाल ही का है ये अभी शायद लास्ट संडे की ये बात है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कौन जीते नडाल जीते ग्रैंड मास्टर बन चुके और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला कहाँ पे जाता है हाद कोर्ट पे सुनील ओके ओके सुनील तो ना वेस्ट इंडीज इन से ओके 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 या ठीक है ठीक है गुड 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 ओके Max Verstappen wins Mexican Grand Prix. अगेन ये वो ही है जो मैं रेस के बारे में बात कर रही थी जब हम ला, हमने दिसंबर की मैगजीन में ग्रैंड प्रिक्स के बारे में देखा हुआ था तो ये नंबर वन रेस बन जाती है ठीक है ग्रैंड प्रिक्स मतलब कि सारे यू you नो know, सारी रेशस से बढ़ के एक रेस आती दैट इज ग्रैंड प्रिक्स और उसको किसने जीता मैक्स वॉर्सन ने मैक्स वॉल स्टेपन में कौन सी वाली मैक्सिकन वाली जो मैक्सिको में हुई ठीक है रेड बुल रेसिंग ड्राइवर रेड बुल चलाते हैं ये that is Max जी है ये नैंड के प्रिक्स ये जीत चुके हैं Formula One रेसिंग के टूर्नामेंट में और जो हुआ कहा था तो हर रेस ट्रैक में में फॉलो और इन नंबर टू पे आ जाते हैं ले, लेविस हमिल्टन. लेविस हमिल्टन का नाम हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था है ना और लेविस जी ने किया क्या था लेविस हैमिल्टन जी ने अपने करियर की हंड्रेड विक्ट्रीज जीती थी रशियन ग्रैंड प्रिक्स को सोशी में जो हुआ था उसको जीतते हुए ये दिसंबर की करंट अफेयर्स की मैगजीन की न्यूज थी आपकी जहाँ पे लेविस हेमल्टन जी ने अपने करियर की हंड्रेड जीते पूरी की थी लेकिन इसमें मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स में देखें तो इनका नंबर टू रहा ठीक है एंड रेडबुल रेसिंग सर्जियो पैरिस जो है वो नंबर थ्री पे रहे टू पे हैमिल्टन एंड थ्री पे सर्जियो जी विद दिस विक्ट्री मास मैक्स बॉस्टेपन इज 19 पॉइंट्स अवेड अहेड ऑफ लाविस हैमिल्टन पॉइंट्स में आगे हो गए हैं अदरवाइज 100 तो रेसेस लाविस हैमिल्टन जी ने ही पूरी की हैं आज की लास्ट न्यूज़ और इसके साथ हम चलेंगे आज uh, के करंट क्विज के सेक्शन पे ठीक है ऑस्ट्रेलिया विंस देयर मेडन टी20 वर्ल्ड कप टाइटल 2020 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल हाइलाइट्स मतलब यही ओब्वियसली कि लास्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है 2021 में कौन जीता तो ओब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जीती किसको हराया न्यूजीलैंड को हराया आठ विकेट से हराया आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 जो कि हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जिसको स्पॉन्सर दो कंट्रीज ने किया हुआ था ठीक है ओके okay? एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ सबसे पहले ये जो थी वो 2007 में साउथ अफ्रीका में खेली गई थी इसी के साथ आज की न्यूज को हम यहीं पे खत्म करते हैं और आप देख लीजिए कि कौन से ईयर में कौन से ईयर में कौनसी वाली कंट्री यस एग्जैक्टली बिशम जो है ये ग्रैंड प्रिक्स जो है वो कार रेसिंग के बारे में बात करता है फॉर्मुला वन ओके अब 2007 में इंडिया ने ये टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप जीता नाइन में पाकिस्तान टेन में इंग्लैंड ट्वेल्व में वेस्ट 14 में श्रीलंका में अगेन ट्वेंटी दो साल के बाद होता है जबकि यहां पर टाइम का क्या है ठीक है चले अब आज के क्विज सेक्शन की तरफ आज के क्विज के सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के क्विज में क्या स्टोर है हमारे लिए चलिए जी सबसे पहला क्वेश्चन मेक श्योर की सभी कमेंट करें ओके विच कंट्री विल होस्ट द साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022 2022 में एस ए एफ ट्रिपल सी कौन होस्ट करने वाला है ऑप्शन है पाकिस्तान इंडिया इंडोनेशिया या म्यांमार गुड 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 गुड। फास्टेस्ट आंसर गिवन बाय आशिक चौधरी जी बी इंडिया देन टू पे मलिक रुबिया जी ने भी कहा बी इंडिया एंड यस yes, इंडिया इज द राइट आंसर इंडिया ने ही तो जी इंडिया में ही तो नागालैंड में होने वाला है ये अभी एस ए एस एफ ट्रिपल सी एस ए एफ ट्रिपल सी अभी कहां पर होने वाला है इंडिया के नागा लैंड में रु, रुक जाइए मालिक रूबैया जी जरा मुझे क्वेश्चन पढ़ने दीजिए ओके विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट दी सिक्स नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फिफ्टी सिक्स नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कौन होस्ट करने हैं करने वाले हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा इंडिया की कौन सी वाली स्टेट इसको होस्ट करेगी नागालैंड मिजोरम मणिपुर या त्रिपुरा अब इसका इसका तो बिल्कुल हम इसका बिल्कुल हम कहेंगे मलिक रुबिया जी ने ही इसका सही आंसर सबसे पहले दिया हुआ है तो मलिक रुबिया जी ने क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर दिया दैट इज ए नागालैंड में होने वाला है एस ए एफ ट्रिपल सी ठीक है आगे Recently, who won the La Nucia Open Chess Tournament in Spain? Spain में La Nucia नाम का जो चैंपियनशिप हुआ किसने जीते इन सब में से Gukesh D, P इन Nihal सरीन या कुरू Hampi? तो इसका आंसर करेक्ट अभी दिया हुआ है भीषम जी ने नंबर वन पे बी कहा है उसके बाद रुबे जी है जी हाँ इसका आंसर है पी इनयन पी इनयन जो की जस्ट नाइनटीन ईयर ओल्ड है ऑरिडो एस ए डब्ल एफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी वन हेल्थ इन मालदीव मालदीव में जो हुआ वो किसने जीता जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर भी मलिक रुबया जी ने दिया था लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या है नेपाल मालदीव इंडिया या बांग्लादेश किसने जीता ये किसने जीता ही ओरिडो सेट गलत आंसर्स दे रहे हैं आप लोग बी बी बोल रहे हैं इंडिया आशिक चौधरी जी बिल्कुल सही बो, बोल रहे हैं कि इंडिया ने यस क्वेश्चन नंबर फोर इज इंडिया ने ऑरिडो सैफ चैंपियनशिप ट्वेंटी जीता जो कि मालदीव्स में हुआ नेक्स्ट वन हु वोन द ऊपर कप 2021 ट्वेंटी वन टाइटल ऊपर कप किसके साथ लिंक्ड है और किसने जीता किसने जीता इसको ऊबर कप यस एग्जैक्टली विक्रम ने सही आंसर दिया इट्स चाइना uh, चीन चाइना भीषम ने भी सही दिया है भीषम ने पूरा टाइप किया है चाइना हु बैग्स द गोल्ड मेडल इन फिफ्टी मीटर बैक स्ट्रोक

एक्टलीबाद रिसेंटली हैदराबाद में सबसे बड़ा जो अभी तक क्रिकेट बैट लॉन्च हुआ वो कौन से प्लेयर ने अनवील किया किसने दिखाया किसने उसके ऊपर से पर्दा हटाया अजय जडेजा विनोद काम्बली संजय मांझरेकर मोहम्मद अजरुद्दीन किसने किया

आशिक जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और बिशम जी ने भी इट्स ऑप्शन नंबर सी सी विक्टोर विक्टर ठीक है नेक्स्ट वन डेनमार्क ओपन बैडमिंटन Open Badminton Championship 2021 Women's सिंगल टाइटल वीमेन सिंगल टाइटल का डेनमार्क ओपन बैडमिंटन Championship हुआ जो वो किसने जीता अकेमा गुची एन सियॉन्ग हिगाशिनो या Yu, किसने जीता ये ए एग्जैक्टली मलिक रुबिया जी इट्स ए इट्स ए अकानी यमा गुची ठीक है नेक्स्ट चलिए हाउ मेनी टीम्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन आईपीएल 2020 आईपीएल 2020 में कितनी टीम्स होने वाली है और न्यू टीम्स एक्चुअली न्यू टीम्स कितनी नई टीम्स आ रही है दो तीन चार या पांच अगेन अगेन मलिक रूबिया जी का आंसर टू है टोटल दस होंगे लेकिन न्यू टीम्स यहां पर पूछा हुआ था ऑप्शन को भी देख लिया करो नंबर टू ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा टू वेयर डिड मेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 वन प्लेस जो मेन्स हॉकी जूनियर का वर्ल्ड कप हुआ अभी वो कहां पर हुआ कौन सी जगह पर भुवनेश्वर न्यू दिल्ली बेंगलुरु या लखनऊ कहां पर हुआ मलिक रुबेज़ अगेन लाइट इट्स ए इज द राइट आंसर भुवनेश्वर में ये हुआ भुवनेश्वर में ये हुआ यस नेक्स्ट वन हु अमंग देम जो लिस्ट आपके पास नीचे दी हुई है इसमें से आर लिस्टेड इन एम सी सी एम सी सी जब आंसर दोगे तो इसके भी फुल फॉर्म मुझे बताना कि एम सी सी के फुल फॉर्म क्या आते ठीक है अवॉर्ड ऑनरी लाइफ मेंबरशिप लाइफ टाइम जितना हमने क्रिकेट के लिए जितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका आंसर बताओ किस किस को ये अवार्ड मिलने वाला हरभजन सिंह एंड अनिल कुंबले हरभजन सिंह एंड जवा जवागल श्रीनाथ या कपिल देव एंड जवागर श्रीनाथ या फोर्थ वन अनिल कुंबले जवागर श्रीनाथ मेक श्योर sure उसी का नाम लिया जाएगा कमेंट्स में जिस जो एम की फुल फॉर्म भी बताएगा एम की जो फुल फॉर्म भी बताएगा एम की फुल फॉर्म भी, भी साथ में चाहिए यस गुप्ता मेलबोर्न क्रिकेट क्लब लेकिन ऑप्शन बी बता देते हैं ऑप्शन है ऑप्शन इज बी हरभजन सिंह एंड जवागल श्रीनाथ ओके रिसेंटली द फिफ्थ रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट एट रुजना जोरा का जो पांच ओके, बताइए रिसेंटली फिफ्थ रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट हेल्थेट कहां पर हुआ था सर्बिया मैड्रिड, न्यू दिल्ली लंदन और हमने पढ़ा है मलिक रुबिया जी कह रही हैं ए आशिक चौधरी जी भी कह रहे हैं ए एंड यस ए ही है करेक्ट आंसर सर्बिया में ही ये हुआ ठीक है। हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मेल टू साइन अपॉर बीबीएल बीबीएल के लिए सबसे पहला इंडियन कौन सा कौन सा क्रिकेटर सिलेक्ट हुआ है उन्मुक्त चंद, युवराज सिंह इरफान पठान रोहित शर्मा यस इट्स इट्स ए उन्मुक्त चंद जी हैं uh -huh. आशिक जी मलिक जी दिस दिस ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट वन हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द एस ए डबल एफ चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी इन मालदीव मालदीव में जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन हुआ कितनी टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया तीन चार पांच छह कितनी टीम्स में ने पार्टिसिपेट किया कितनी साउथ एशियन कंट्रीज थी वहां पर यस yes, आशिक चौधरी जी बिल्कुल राइट इट्स ऑप्शन नंबर पांच पांच ही तो टीम्स थी और पांच टीम्स के क्या आप नाम बता सकते हैं कौन कौन सी टीम्स थी पांच टीम के नाम्स बता सकते हैं कोई कमेंट में चलिए छोड़िए इंडिया इंडिया थी मालदीव थी नेपाल थी श्रीलंका थी और कौन सी थी फोर्थ वन कौन सी थी फोर्थ वन कौन सी थी हमारी पड़ोसी हमारा बिल्कुल बंगाल के साथ बॉर्डर टच करने वाला बांग्ला देश था तो ये पांच ही टीम्स हुई ना वन टू थ्री फोर एंड फाइव आई फॉर इंडिया ओके रिसेंटली हु वोन गोल्ड इन टेन मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी एट द इनोग्रल आई प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स कप 2021 किसने जीता ये मनु भाकर एंड जावेद फारूकी या अभिषेक वर्मन चिंकी यादव यशस्वनी देशवल एंड राही अर्जुम अंजुम मोदगिल एंड सौरभ चौधरी किसने जीता ये राइट जी ने सही कहा हाँ, आशिक चौधरी जी ने भी से कहा था एंड uh, अभी मलिक रुबिया जी का बिल्कुल आंसर राइट है इट्स ऑप्शन नंबर ए एंड फास्टेस्ट रिप्लाई उन्हें रिसेंटली हु बिकम हु बिकम यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 हंड्रेड टी ट्वेंटी विकेट्स टी ट्वेंटी विकेट्स लेने वाले सबसे यंगेस्ट बॉलर अभी कौन बने अभी कौन बने हाल ही में अभी कौन बने सबसे यंगेस्ट बॉलर जिन्होंने 400 सौ विकेट ली आदिर वनिंदु हसरंगा राशिद खान या जोश हजलवुड जी हाँ मलिक रूबैया का फिर से आंसर सबसे फास्टेस्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन फॉर टुडे इज

मलिक रूबे जी हमेशा फास्ट रिप्लाई करते हैं वेरी गुड एंड इट्स वॉल स्टेपन भीषम ठाकुर जी से थोड़ी शायद सेकंड्स का फास्टर रह गया ये वाला बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

लेविस हैमिल्टन लेविस हैमिल्टन ना मुझे समझ नहीं आ रहा ये विषम जी ने किसका कि आंसर दिया है सी मालिक रुबिया जी ने भी आंसर दिया है सी लेविस हैमिल्टन तो अभी अभी मेरे को समझ नहीं आ रही तो भीषम आर्यमन गुप्ता जी मालिक रुबिया जी सब का आंसर सी है आशिक चौधरी जी विशाल जी सब का आंसर सही है दैट इज लेविस हैमिल्टन लेविस हैमिल्टन ने हंड्रेड विक्ट्रीज की अपने करियर की जबकि मैक्स मैकसि, प्रिक्स वाला ये जीता। ठीक, है? ठीक है, समझ आया समझ आया तो ये थे आपके आज का स्पोर्ट्स वाले एमसीक्यूज़ स्पोर्ट्स वाले एमसीक्यूज और स्पोर्ट्स के न्यूज जनवरी तक हमने कवर करने की कोशिश की है आई होप आपको आज का वीडियो uh, समझ आया होगा पसंद आया होगा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब Please like this video, share this video and subscribe to our channel. Okay, bye bye.